हेलो दोस्तों, देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर आपको लेके चलता हूँ। जहाँ तक नज़र जा रही है लेक ही लेक है। देखिए बहुत ही टेस्टी होते हैं, गजब। ये जो नीचे वाला रास्ता है, ये ऊपर वाला रास्ता है। यहाँ पे एक मल्ली ताल है, एक तल्ली ताल है। बहुत ही सुंदर दुकान है। अब हम नीचे वाले रास्ते पे चलते हैं, अपने इंडियंस रास्ते पे। और ये देखिए बहुत सारी फिश। हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे मेरे को, मैं कहाँ पे हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं हूँ तालों का शहर नैनीताल। तो आप ये देख सकते हैं मैं नैनीताल में हूँ। ये होटल, अब मैं जा रहा हूँ नैना देवी मंदिर। तो नैना देवी मंदिर आपको लेके चलता हूँ, नैना देवी में दर्शन करेंगे। यहाँ पे आप एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे चार चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये चर्च, ठीक है। इधर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मस्जिद, और उसके सामने ये है नैना देवी मंदिर, और नैना देवी मंदिर के बगल में ये है गुरुद्वारा। तो यानी कि आपको चारों चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है। अभी ठंड भी इतनी नहीं है, लेकिन आप जैकेट या स्वेटर इस टाइम पहन सकते हैं क्योंकि इतनी ठंड है। ये मस्जिद है, ये आप देख रहे हैं इधर, ये मस्जिद है, बहुत बड़ी मस्जिद है, ये काफ़ी बड़ी है। ये देखिए आगे से पीछे, और ये देखो ये सामने आप देख रहे हैं गुरुद्वारा, और गुरुद्वारे के जस्ट बगल में है नैना देवी मंदिर। तो यानी कि चारों चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलती है। देखिए पूरे स्टॉल लगे हुए हैं, ये पूरे गर्म कपड़े, और ये सामने गुरुद्वारा आपको दिखाया था मैंने, ये गुरुद्वारा दिख रहा है आप। और ये मेरे यहाँ पे देखिए नैना देवी मंदिर का मेन गेट। तो अभी हम मंदिर में चलेंगे, यहाँ पे उतारने हैं शूज। ये हनुमान जी का मंदिर है इस तरफ, और इस तरफ है माता रानी का मेन मंदिर। यहाँ का जो नज़ारा है ना, गजब ही होता है। यहाँ पे जब भी आप नैनीताल आओ तो यहाँ नैना देवी मंदिर में आप ज़रूर आओ। और मैं अब आपको दिखाता हूँ मेरे सामने क्या टन है। ये देखिए लेक, क्या आपको लेक दिखती है ये पूरी? देखो वहाँ पे बोट्स, यहाँ पे बोटिंग के लिए लोग बोट्स ले सकते हैं। और यहाँ पे पूरी लेक आपको दिख रही है, पूरी वहाँ तक, पूरा देख लो जहाँ तक नज़र जा रही है लेक ही लेक है। तो बहुत ही गजब सीन होता है यहाँ पे, और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ। आप एकदम नेचर के साथ होते हो, यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो, और यहाँ पे आप वीडियो बना सकते हो कुछ भी। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके, लगता है कि हाँ आप पीस भी आपके पास है। तो अब चलो चलते हैं बाहर। तो अब नैना देवी मंदिर से बाहर आ चुके हैं मेन गेट पर, और ये मेरे देखिए सामने गुरुद्वारा। और मैं हूँ अभी बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट यहाँ का चाइना टाउन। भीड़ देखिए आप, अभी सुबह सुबह भी पूरी टेबल फुल है, लेकिन फिर भी मैं जाऊँगा और कुछ ना कुछ यहाँ पे खाऊँगा। ये आ गए चाइना टाउन रेस्टोरेंट। ये मेन्यू देखते हैं क्या क्या है। तो दोस्तों वैसे तो मैदा मेरे को पसंद नहीं है खाना, लेकिन यहाँ पे आके मैं मोमोज मिस नहीं कर सकता, वो भी फ्राइड वेज मोमोज। ये देखिए देखिए बहुत ही टेस्टी होते हैं, गजब। तो खा के देखते हैं। यम्मी, अमेजिंग टेस्ट है, एकदम रियल चाइना टेस्ट। जब भी आप यहाँ आए ये आप जरूर ट्राई करें। देखिए क्रिस्पी, एकदम क्रिस्पी, गजब। और साथ में कोल्ड कॉफी। मजा आ गया, साथ में ठंडी ठंडी कोल्ड कॉफी, आहा पी के देखते हैं।
कोल्ड कॉफ़ी और मोमोज, फ्राइड वेज मोमोज, अमेजिंग, चटनी के साथ, रेड चटनी। तो दोस्तों मैं ये चाइना टाउन से बाहर आ गया हूँ खा के, मज़ा आ गया। और मैंने जितना यहाँ पे देखा ऑर्डर लोगों को देते हुए, सबसे ज़्यादा यहाँ पे मोमोज़ बिकते हैं, मतलब मोमोज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकते हैं। ऊपर बादल दिख गया, मोमोज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और एक चीज़ मैंने और देखा, आपने चांदनी चौक में जाके पराठे खाए होंगे, चांदनी चौक पराठों वाली गली, वैसी सेम पराठे यहाँ पे मिलते हैं, मतलब गज़ब यार, गज़ब। तो जब भी आप यहाँ आए, नैना देवी मंदिर के सामने ही चाइना टाउन रेस्टोरेंट है ये, और यहाँ का आप ट्राई ज़रूर करें, स्पेशली वेज मोमो फ्राइड। तो अब चलते हैं दूसरी जगह दोस्तों। तो अभी मैं चल रहा हूँ ये माल रोड पे, ये माल रोड है पूरी इस तरफ, ये देख रहे हैं आप, ये सारी माल रोड यहाँ से लेके पूरा। और ये लेक, ये देखिए आप लेक का, यहाँ पे लेक कितनी अच्छी लग रही, ऊपर बादल देखिए और नीचे लेक, ये पूरी लेक, ये वहाँ से लेके और ये माल रोड। तो माल रोड पे अभी मैं चल रहा हूँ पैदल, और नीचे ये एक रास्ता ही आप नीचे देख रहे होंगे, है ना, वहाँ से लेके यहाँ तक, और एक रास्ता ये ऊपर, दोनों रास्ते। इसके पीछे भी एक स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो नीचे वाला रास्ता है, ये ऊपर वाला रास्ता है, ये दोनों रोड है, ये अब क्या किया हुआ है, ये जाने के लिए वन वे है, ये आने के लिए वन वे है। तो ये जो रास्ता बनाया है ऊपर नीचे इतना गैप, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था जब अंग्रेज़ यहाँ पे थे, ब्रिटिश, जब ब्रिटिश राज था। क्योंकि नैनीताल आपको पता ही होगा, अंग्रेज़ों ने बसाया हुआ है नैनीताल सिटी को। तो उन्होंने क्या किया, दो रास्ते बनाए, जो ऊपर वाला रास्ता था उस पर हम इंडियंस को चलना अलाउ नहीं था, और जो नीचे वाला रास्ता है उस पर सिर्फ इंडियन चलते थे। तो ऊपर वाला रास्ता इसीलिए बनाया गया, यहाँ सिर्फ अंग्रेज़ लोग चलते थे, और जो नीचे वाला रास्ता है इस पर सिर्फ भारतीय लोग चलते थे। तो ये भी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना। तो अभी तो खैर अलाउ है, अभी तो सब लोग चल सकते हैं ऊपर नीचे। अब ये ऐसे बना दिया है ट्रैफिक के लिए कि नीचे वाला सिर्फ आने के लिए, ऊपर वाला सिर्फ जाने के लिए, तो वन वे जोन बना दिया है दोनों। ये देखिए लेक, आहा कितना अच्छा लग रहा है। और इस तरफ देखिए मार्केट, ये पूरी मार्केट ही मार्केट। अभी सुबह का टाइम है तो इतनी भीड़ नहीं है अभी यहाँ पे, लेकिन इवनिंग में बहुत भीड़ होती है, और यहाँ की लाइट जब जलती है इवनिंग में तो बहुत ही गजब लगती है देखने में। तो अभी हम यहाँ पे, एक मल्ली ताल है, एक तल्ली ताल है, तो अभी हम मल्ली ताल से लेके पैदल चल रहे हैं तल्ली ताल तक। इसको मल्ली ताल, तल्ली ताल इसलिए बोलते हैं, मल्ली का मतलब होता है ऊपर और तल्ली का मतलब होता है नीचे। तो मल्ली ताल, तल्ली ताल, यानी एक मल्ली वाला हिस्सा और एक तल्ली वाला हिस्सा, तो इसलिए इसका नाम मल्ली ताल, तल्ली ताल है। तो चलो आगे चलते हैं, और इस तरफ जाना है, ये मेन रोड पूरी। ये देखिए इस तरफ बहुत ही सुंदर दुकानें, बहुत ही सुंदर सुंदर सजी हुई, हैंडीक्राफ्ट से लेके ज्वेलरी से लेके सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया। ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इस मेरे राइट साइड में है पूरा लेक, नैनी लेक। अभी ये जो ऊपर वाला रास्ता है जिस पे अभी हम आए थे, अब हम नीचे वाले रास्ते पे चलते हैं, अपने इंडियन रास्ते पे। तो चलो यहाँ से चलते हैं नीचे, यहाँ से जंप करते हैं। ये आ गए, ये इंडियन वाला रास्ता, पुराना इंडियन रास्ता। ये देखिए यहाँ से लेक, ये लेक। बिल्कुल ये मेरे राइट साइड में, ये हाथ से जैसे पानी को तुम छू सकते हो, इतना नज़दीक है ये बिल्कुल। ये देखो लोग बोटिंग भी कर रहे हैं, पैडल वाली बोटिंग, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। धूप भी है इस टाइम पे, और हल्के हल्के बादल भी हैं, कभी धूप कभी बादल कभी छांव। ये देखिए नज़ारा, देखिए आप ही लेक,
ये पूरा लेके वहाँ से लेके तल्ली ताल से लेके मल्ली ताल तक पूरा माल रोड आपको मैं पैदल घुमा रहा हूँ। और यहाँ पे कटती है ज़ू की टिकट, देखिए आपको ये है ज़ू। यहाँ से आप ज़ू भी जा सकते हो, ज़ू जाने का यहाँ से गेट है, ये मेन गेट है। यहाँ से ऊपर ऊपर ये पेड़ों की छाया में रास्ता दिख रहे हैं ना आपको, गजब मज़ा आ रहा है। लोग यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हो, मॉर्निंग में तो यहाँ पे लोग वॉक करते हैं, आप यहाँ पे साइकिलिंग भी कर सकते हो, रेंट पे लेके साइकिलिंग भी होती है। हम ऑलमोस्ट तल्ली ताल पहुँच चुके हैं, बस सामने ही है। और माल रोड पे आप पैदल चल के ही आपको जो मज़ा आएगा ना वो आपको यहाँ पे देखो, एक रेस्टोरेंट बना हुआ है बहुत बढ़िया, चांदनी चौक इसका नाम है। और इसका डिज़ाइन भी देखो, एकदम ओल्ड महाराजाओं वाला टाइप का है। ये हम पहुँच चुके हैं तल्ली ताल, जहाँ से जब यहाँ से दिल्ली से गाड़ियाँ आती हैं तो दो रास्ते हैं देखो, एक तो हल्द्वानी साइड से आप आते हो काठगोदाम साइड से, वो आता है रास्ता यहाँ पे तल्ली ताल में। और अगर आप आते हो रामनगर साइड से काला डूंगी साइड से तो वो आता है मल्ली ताल, जहाँ से हम अभी स्टार्ट किया हमने जॉगिंग, वो आता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे चलते हैं। देखिए ये मूर्ति, देखिए ये डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, और ये हरीश रावत जी ने बनवाई है। ये देखिए यहाँ पे लेक, नहीं भैया, और ये देखिए बहुत सारी फिश। आप यहाँ पे आपको फिश देखने को मिलेगी बहुत सारी, ये देखिए कितनी सारी फिश आपको देखने को मिल रही है, तरह तरह की फिश होती है यहाँ पे। यहाँ पे बोटिंग पॉइंट भी है, वहाँ से बोट आप ले सकते हो, इस तरफ भी है इस तरफ भी है, दोनों साइड है, और आप बोटिंग कर सकते हो। ये है तल्ली ताल और वो है मल्ली ताल ऊपर, जहाँ से हम अभी आए थे। तो दोनों साइड मैं आपको दिखा चुका हूँ पूरी माल रोड, ठीक है। तो अब चलते हैं नई जगह,